इस कार्यक्रम में जो कि है डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर नोबल अवार्ड्स 2017 में भी एक डिवाइन एक दैवीय प्रकाश का संचार करेंगे। हमारे सारे महानुभाव आ चुके हैं और अब हम दीप प्रज्वलन करने जा रहे हैं। सो दीप प्रज्वलन जैसे ही हो मैं चाहूँगी आप सभी थोड़ा तालियों के साथ आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। हम सबकी कड़ी मेहनत है, मुझे पता है एक फिल्म बनाने में जिंदगी चली जाती है,
अनिल शर्मा जी ने तो देश के लिए सारी फिल्में बनाई हैं और हमारी अपनी संस्था देश के लिए ही काम कर रही है, तो मैं चाहता हूँ कि इस शुभ मौके पर अनिल शर्मा जी दो शब्द। सबसे पहले उपस्थित यहाँ सभी लोगों को मेरा प्रणाम, और आज हनुमान जयंती है तो हनुमान जयंती की सबको बहुत सारी बधाई और बहुत सारे। और ये जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल है, शनि शाह साहब जिसके ऑर्गेनाइज़र हैं, और इतना सुंदर कार्यक्रम जो यहाँ हो रहा है, और इन सब के लिए भी मैं आप सबको बहुत सारी बधाई देता हूँ। स्वामी जी जैसा भी थोड़ी देर पहले उन्होंने आए थे और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि संवेदनाएँ हमें संग ले चलती हैं और हमें संसार से जोड़ देती हैं, परिवार से, मोहल्ला मोहल्ले से, गली गली से, शहर शहर से, प्रांत प्रांत से, देश देश से, दुनिया, और दुनिया से पूरा ब्रह्मांड। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं कि भाई ब्रह्मांड ब्रह्म एक ही है, तो बस वही संवेदनाएं मैं चाहता हूँ और मुझे लगता है आप सब लोगों के दिल में है, और उसी संवेदना के तहत आप सब लोग यहाँ आए हैं, और उसी संवेदना को आप ब्रह्मांड तक लेकर जाएं, यही मेरी आपसे गुजारिश है। और आप सबके साथ अच्छा हो, बढ़िया हो, और आप सुखी, आपका परिवार सुखी रहे, आप सब अच्छे रहें। इस सब इन सब की इन प्रेयर्स के साथ बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। सर, हम सब भी आपके लिए दुआ करते हैं, आप ऐसी देशभक्ति की फिल्में बनाते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने बंगले के काफी चक्कर काटे, बड़ी मेहनत की, और आज मैं अपने इस शो में आपके अपने चहेते कलाकार धर्म जी को लाने में सफल हो गया हूं। दोस्तों, मैं अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, हिंदुस्तान के हर उस इंसान की तरफ से, मैं इस महानायक को प्रणाम करता हूं। और मैं चाहता हूं, जब मैं इस मुंबई शहर में आया था तो मैं सनी सुपर साउंड में काम करता था दोस्तों, तो आज मैं इस महानायक को अपने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, अपनी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से प्रणाम करना चाहूँ। दोस्तों, मैं भी एक कलाकार हूं और इस शहर में एक सपना लेके आया था, और आज ये सपना मेरा पूरा होने जा रहा है। कभी हम इन कलाकारों की फिल्में स्क्रीन पर देखते थे, आज मैं इस बात से बड़ा खुश हूं कि मैं इस कलाकार के चरणों में अपना सर रख दिया है। मैं बहुत खुश हूं, और मेरे माँ बाप भी यहाँ पे आए हुए हैं। जैसा कि धर्म जी ने कहा था मुझसे कि बेटा अपने मम्मी पापा को साथ लेके आना, और मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ही मैन का हाथ बड़ा खतरनाक है। आज के इस खूबसूरत जश्न में आप सब जी जान से प्यार देता हूँ, दुआएं देता हूँ, और साथ ही एक नसीहत करता हूँ कि प्यार मोहब्बत से आप सब कुछ जीत सकते हैं। मेरी जो जीत है, अगर है, तो प्यार मोहब्बत से ही है। और कोई प्यार का बंदा मिल जाता है तो मैं चला आता हूँ। राम ने कहा आप आ जाइए भाई, मैंने कहा चलो चलूँगा, और किसी खास नए काम के लिए प्रोग्राम बनाया जा रहा है, काफ़ी मदद ये सनी शाह अच्छे काम कर रहे हैं, ये हमेशा अच्छे काम करते रहे, इस तरह के जश्न होते रहे, और मैं आपके रूबरू होता रहूँ। बहुत प्यार आपका, बहुत जी जान से प्यार, खुश रहिए आप, बहुत दुआएं।
डायलॉग क्यों सुनना चाहते हैं? पिक्चर में नहीं गया, डायलॉग को आप अपने दिल से सुन लीजिए, वो सुना देगा आपको। खुश रहो बच्चों, डायलॉग फिर नेक्स्ट टाइम सुनाऊंगा आपको। बहुत सारा सिर्फ डायलॉग के लिए आऊंगा, मिलने के लिए नहीं। मैं सर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सर कुछ अवार्डीज हैं, बहुत ही लकी अवार्डीज, जिनको आपके हाथों से अवार्ड दिया जाना है। तो सबसे पहले ऑन स्टेज में बुलाने जा रही हूँ एमसी अब्बास और आईपीएल फैसिलिटी। कैन वी हैव आईपीएल? अगर आप चाहते हैं, धर्मेंद्र को नचाना चाहते हैं आप, अगर प्यार इज्जत करते हो तो ऐसे मिल के चलो ना, अच्छा है, ऐसे ही अच्छा लगता है। मैं नाचने के लिए यहाँ नहीं आया, अपना प्यार देने के लिए आया हूँ। बस खुश रहो, मैं बहुत प्यार करता हूँ, आप मुझे मालूम है, मेरे पुराने मेरे गांव से। आई लव यू ऑल, लव यू वेरी मच। मोहब्बत आपकी न देती रोशनी घर मेरे नाम को। कैसे बनता धर्म मैं आपका, पहुँचता कैसे इस मुकाम को। खुश रहो। अवार्डीज को बुलाने जा रही हूँ। सबसे पहले एमसी अब्बास आईपीएल फैसिलिटेटर राजेश शर्मा दिल्ली। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ धर्म सर से कि सर प्लीज कुछ मिनट हमारे सारे अवार्डीज को आपके हाथों से अवार्ड दिया जाना है। तो बस कुछ मिनट हमारे साथ आ रही है एमसी अब्बास आईपीएल फैसिलिटेटर राजेश शर्मा जी दिल्ली से, कृष्णा बजाज वरिष्ठ भाजपा नेता जी।
मम्मी ने मुझे बहुत अच्छी चाय पिलाई थी, लेकिन ये नहीं बोला कि मेरी बेटी को लेके जाओ। इस बार क्या हुआ, चाय नहीं मिली लेकिन बेटी आ गई। तो
कहना चाहता हूं कि महिमा जी दो शब्द बोल दें प्लीज। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस प्यारे से अवसर पर बुलाया और यहाँ पे सभी लोगों को बहुत बहुत प्यार और जिन लोगों को अवार्ड्स मिला है कंग्रेचुलेशंस। काश मैं आप और अवार्ड्स दे सकती, लेकिन हमारे से भी बहुत बड़े बड़े लोग ग्रीन रूम में इंतज़ार कर रहे हैं आप लोगों को सम्मानित करने के लिए। तो अब मैं अपने फेवरेट डायरेक्टर राज जी से कहूँगी कि वो कुछ कहें। My best wishes to all of you. Please keep up the good work that you are doing. Congratulations. God bless. Thank you. Sir, आप दुआ कीजिए कि हम लोग ये काम करते रहें। आप जैसे अपने सिनेमा के जरिए लोगों की सेवा करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, ऐसे हमारा अपना यह एसोसिएशन या ऑर्गेनाइजेशन है मेहनत करके लोगों के घरों तक जाता है, बच्चों को पढ़ाई वढ़ाई के लिए शिक्षा देते हैं हम लोग और इस तरह के कुछ काम करते हैं। तो आप जैसी हस्तियां जब हमारे शो में आती हैं तो हमारे यहाँ जो लोग काम करते हैं उनका जोश बढ़ जाता है। सर बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सनी साहब से चाहूँगा कि मैम का स्वागत करें। Taking very good care of himself and he was fighting it. That's what I thought when I saw the picture first, that he's a true hero. He's put up such a great fight. मैंने सुना परदेश का जो remake है वो television पे बना है, I think कोई serial. So yes, I think people like to see what happened before a film, what happened after. कुछ नहीं सुनाई दे रहा। हाँ, recreate हो।
आई थिंक जो कंटिन्यूसली हिट रहता है वो है आई लव माई इंडिया, बिकॉज वो पूरे देश को आई थिंक ट्वाइस अ ईयर, एक तो रिपब्लिक डे एक इंडिपेंडेंस डे बजता ही है, और अभी तक जो छोटे छोटे बच्चे हैं अभी तो मैं फिल्म नहीं कर रही हूँ तो वो मुझे पहचानते हैं उस गाने से, क्योंकि वो लोग उसको स्टेज पे परफॉर्म करते हैं तो एक बार गाना देख लेते हैं फिल्म का, तो देन दे नो कि आई एम दैट पर्सन। मेरी बेटी ने भी पहली बार मुझे उसी से पहचाना। मैं बहुत खुश हूँ। मुझे ह्यूमन राइट्स का मैं एक सदस्य हूँ, ह्यूमन राइट्स का मैं भी एक सदस्य हूँ, और मुझे आज इस काम के लिए बुलाया गया और मुझे अच्छा लग रहा है। किसका? विनोद खन्ना जी का कुछ बैड न्यूज़ आया अभी तक, आई डोंट नो। नहीं, तबीयत खराब नहीं, अभी बैड न्यूज़ आया, नॉट खराब। मैं उनके लिए गाना गाया और उनके लिए एक नहीं बहुत सारे गाने गाए। मैं चाहता हूँ कि अगर वो ठीक हो जाए, ऐसे लोग ठीक हो जाना चाहिए, हम बहुत प्यार करते हैं उनको। काश ऊपर वाले अगर ठीक करते। थैंक यू वेरी मच।